नमस्कार, माँ लखना को प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर आज हाजिर हूँ एक जबरदस्त और इम्पोर्टेंट विषय। 900 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। 8 राशि वालों को जहाँ जबरदस्त लाभ मिलेगा, मालामाल होंगे, 4 राशि वालों को जबरदस्त नुकसान होने की भी संभावनाएं दिख रही है, तो थोड़ा सा फोकस रखिए। अब बात कर लेते हैं क्यों भाई 900 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सूर्य ग्रहण पड़ता कब है? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है ना, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे नहीं आ पाती है और दिन में ही रात लगने लगती है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो ये सूर्य ग्रहण 900 साल बाद ऐसा बन रहा है। हालांकि सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा होता है, उसके बावजूद ग्रहण के दौरान जब बीच में चंद्रमा उसे ढक लेता है तो उसकी रोशनी नहीं जा पाने की वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। तो खास तौर से 21 जून आषाढ़ पक्ष के कृष्ण मास के अमावस्या के दिन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ये ग्रहण लग रहा है, जो कि सुबह 10:11 पर शुरू होगा और 1:30 पर ख़त्म होगा। लंबा ग्रहण, चंद्र ग्रहण मैंने साफ कहा था बिना प्रभाव वाला चंद्र ग्रहण, मैं डराता नहीं हूँ, लेकिन ये सूर्य ग्रहण प्रभावी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूतक के नियम से लेके सब कुछ लग रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुन लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लंबा चलेगा ये सूर्य ग्रहण और ख़ास तौर से भारत, यूरोप, एशिया के कुछ जगहों पर जरूर ये देखा जा रहा है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसका सूतक काल की बात करें तो रात के 10 से सूतक काल, 20 तारीख की रात के 10 से सूतक काल लग जाएगा, जो कि खास तौर से सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग भी खाना बच गया है, पानी है, पीना है रात को, तो निश्चित तौर पर उसमें तुलसी के दल डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्य ग्रहण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नारायण की पूजा करिएगा या सूर्य भगवान की पूजा करिएगा, लाभ मिलेगा। अब जैसा कि मैंने कहा था, 12 की 12 राशि कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा 2 राशियाँ इसमें प्रभावित हो रही है, मिथुन और धनु, इनके लिए सबसे ज्यादा खराब है। बाकी राशियों के लिए फिर भी ठीक है, 8 राशियों को लाभ मिलेगा, 2 के लिए एवरेज है, 2 के लिए जरूर खराब है, मिथुन और धनु, इनको बहुत ध्यान देना है। अब 12 राशियों का हाल, क्योंकि 8 राशियां कहीं ना कहीं मालामाल भी होंगी इस दौरान। मेष राशि वाले, आपके कहीं ना कहीं तीसरे भाव में होगा, पद सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति धन बढ़ने जा रहा है। भाई बहनों के साथ जरूर झगड़े हो सकते हैं इस राशि परिवर्तन, इस सूर्य ग्रहण की वजह से, बाकी पिता से मतभेद खत्म होते दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि, निश्चित तौर पर आपके दूसरे घर में धनहानि के संकेत हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, गलत जगह पैसा चला जाएगा, गलत हाथों में पैसा चला जाएगा, गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पैसा चोरी हो सकता है, कर्ज में डूब सकता है, रियल इस्टेट में बर्बाद हो सकने के पूरे चांस बनते नजर आ रहे हैं इस गोचर वर्ष। धनहानि के पूरे संकेत है, परेशानी है, समस्या है, ध्यान रखिएगा। वाणी दोष बहुत पूरी तरह से आपको प्रभावित करेगा और बर्बाद करने की ताकत रखता है अगले 1 महीने, तो अपनी वाणी पे अगर आपने लगाम नहीं लगाया तो अगला 1 महीना डिजास्टर साबित होगा आपके लिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, आपके लग्न में है कन्फ्यूजन की स्थिति, उसी के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति, नौकरी में परेशानी की स्थिति, कंफ्यूजन के साथ साथ कलीग्स के साथ साथ पड़ोसियों के साथ साथ झगड़ों की स्थिति, घर में झगड़े पड़ सकते हैं, माता पिता या पति पत्नी के साथ अलगाव की पूरी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, फोकस रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई कर्क राशि वालों की, आपके 12वें भाव में किसी दुर्घटना से रूबरू हो सकते हैं, किसी दुर्घटना में ग्रसित हो सकते हैं, तो इसलिए जरूर पूजा पाठ जरूर करिएगा। चोट लगने के भी डर रहेगा, चोरी होने का समान डर रहेगा, धन हानि के बड़े नुकसान होने की संभावना है, नौकरी स्थान परिवर्तन की वजह से मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, किसी घर वाले के स्वास्थ्य में गिरावट की वजह से चिंताएं बहुत बढ़ सकती हैं इस सूर्य ग्रहण की वजह से, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों को, निश्चित तौर पर इनके लिए धन लाभ की संभावना है, जीवन साथी सहयोग मिलता दिख रहा है, प्रेम विवाह में सहयोग मिलता दिख रहा है, प्रेमी प्रेमिका के संबंध बेहतर होते दिख रहे हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, राजनैतिक दखल बढ़ने जा रहा है इस सूर्य पर ग्रहण की वजह से आपका।
अब बात कर लेते हैं भाई कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर कोई शुभ समाचार मिलेगा, कैरियर में परिवर्तन होगा, लाभकारी परिवर्तन होगा, उसमें लाभ मिलेगा आने वाले समय में सूर्य ग्रहण की वजह से। उसी के साथ साथ ये सूर्य ग्रहण धन सत्ता परिवर्तन लेकर आया है और आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने जा रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति में भी लाभ की संभावना है। अब बात कर लेते हैं भाई तुला राशि की। तुला राशि के भाग्य भाव में तो जितना धर्म के करीब रहेंगे उतना जीवन के सुखों के करीब रहेंगे। तो बस धर्म के करीब रहिएगा। अगले 21 दिन तक प्रभाव रहेगा इस सूर्य ग्रहण का, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, भाग्य साथ देगा। लेकिन अगर धर्म से विमुख हो गए तो ये सूर्य ग्रहण परेशान कर सकता है, पिता का स्वास्थ्य और को भी दिक्कत दे सकता है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपका और आपके घर वालों का स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य बेहतर दिख रहा है, बस आप धार्मिक बने रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों, दिक्कत समस्या परेशानी कोर्ट कचहरी दिख रही है। उसी के साथ साथ यही वो समय है जो ससुराल के साथ अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा है, पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा है और भारी झगड़ों के संकेत नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा 21 दिन सचेत रहिएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। जीवन साथी को कष्ट, अलगाव की स्थिति, विवाह में टूट की संभावना है, तलाक की संभावना है, अलगाव की संभावना है, जो विवाह नहीं हुए हैं उनमें कन्फ्यूजन की संभावनाएं बनी रहेगी। बिजनेस व्यापार नुकसान में रहेगा 21 दिन तक। बड़े डील, बड़ा व्यापार का कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं साइन करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। निश्चित तौर पर शुभ रहेगा, शत्रुओं पर विजय रहेगी, उसी के साथ साथ जीवन बेहतर रहेगा, आने वाला समय बेहतर रहेगा, उसी के साथ साथ नौकरी में परिवर्तन लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि वालों, तनाव हो सकता है प्रेमी प्रेमिका की वजह से, तनाव हो सकता है पुत्र संतान की वजह से, तनाव हो सकता है शिक्षा की वजह से, तनाव हो सकता है जीवन में कहीं ना कहीं चले आ रही परेशानियों की वजह से। तनाव से दूर होने के लिए सिर्फ एक चीज, मेडिटेशन और माँ दुर्गा का सहारा आपको लाभ देगा। मीन राशि वालों, खर्चों पे कंट्रोल करिएगा, बाकी जीवन बेहतर रहेगा, कैरियर में लाभ मिलेगा, घर में आसानी से सबके साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, जीवन में कहीं ना कहीं पारिवारिक सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए भाई, ये था 12 का 12 राशियों का हाल। तो अब हमेशा की तरह मैं उपाय बताता हूँ, तो इस बार राशि अनुसार नहीं लेकिन सब राशि के लिए उपाय बता रहा हूँ। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा, जमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी का, जैसे कावेरी बहती है तमिलनाडु और कर्नाटक, जल लेके उससे मिलाकर अपने स्नान के पानी में मिला लीजिए, स्नान कर लीजिएगा। जो भी समस्या नेगेटिविटी है सूर्य ग्रहण की वजह से खत्म। दूसरी चीज, सूर्य ग्रहण के बाद अगर हो पाए तेल, कपास, कंबल, मच्छरदानी का दान लाभकारी रहेगा और इस मौसम में मच्छरदानी का दान ज़्यादा लाभकारी रहता है। उसी के साथ साथ इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपको ओम घणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करना है। उसी के साथ साथ नारायण भगवान का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। सारे राशि वाले इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो अब आपकी बारी, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, औरों तक पहुँचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।